दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। आज काफ़ी ठंड है जी, और दिन से ज़्यादा ठंड है आज। तो दोस्तों जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने पशु की भूख बढ़ाने का फॉर्मूला जी, देसी फॉर्मूला है जी। किसी दुकान पे नहीं जाना, किसी मेडिकल स्टोर पे नहीं जाना, कोई ताम झाम जोड़ना नहीं है जी। एक सेकेंड लगनी है, आपने तोड़ना है और पशु को देना है जी। किसान साथियों, जिन किसान भाइयों के, पशुपालक भाइयों के जो हैं पशु गाय भैंस कम घास खा रही है, जिसको भूख कम लग रही है जी, घास नाम मात्र का खा रही है, कमज़ोर होती जा रही है, मुंह से राल गिर रही है, मस्तिष्क की दिक्कत है, गैस बनती है जी, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना। 3 दिन फॉर्मूला यूज़ करना है जी, रिजल्ट पहले से दिन से मिलेगा, गारंटी मेरी है जी, 100% काम करेगा। मैं अपने पशुओं के ये फॉर्मूला, जब भी मेरे पशु जो है घास कम खाते हैं जी, मैं उनके ऊपर ही आजमाता हूँ और 100% मेरे को रिजल्ट मिलता है। तो अभी जो है, अभी मैं अपने पशु को ये दे के आया हूँ जी। तो मन में आया कि एक वीडियो बनाई जाए, और अपने जो किसान साथी हैं, भाई हैं मेरे, कोई परेशान है समस्या से, तो उनको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी जाए। किसान साथियों, करना क्या, आपने हरा धनिया लेना है जी। ताज़ा ले लो तो बहुत बेहतरीन, सोने पे सुहागा हो जाएगा जी। ताज़ा हरा धनिया ले लें जी, और उसको अपने पशु को दें 50 से 100 ग्राम की मात्रा में, एक पशु को देनी है जी। कुछ पशु इसको बड़े चाव से खा लेते हैं, कुछ इसको नहीं खाते, तो जो से चाव से खाते हैं जी, वो तो एकदम झट से इसको खा लेंगे, लेकिन जो से नहीं खाते हैं जी, उसको आपने बरसीम वगैरह के बीच में सबुत्ता काटना नहीं है, बाढ़ना नहीं है जी, सीधा सिंपल सबुत्ता लें, बरसीम के बीच में रखें और अपने पशु को खिला दें। अगर फिर भी आपका पशु नहीं खाता, तो थोड़ी सी डोटा मारी उनके साथ करनी पड़ेगी जी, जैसे नाल वगैरह से देते हैं, ऐसे ही आपको डोटा करना पड़ेगा, पेड़े के तौर पे बना के ये पशु के मुंह में देना पड़ेगा ज़बरदस्ती से जी, पहले दिन से रिजल्ट मिलेगा जी। और ये मान लो कि ये एक देसी जो है लीवर टॉनिक है जी, 3 दिन यूज़ करो, आपको 3 दिन देना है जी, उसके बाद आप कभी भी इसको बीच में दे सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है जी। सर्दी गर्मी कभी भी हो, आप इसको दे सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है जी। भूख बढ़ेगी, और भूख तो बढ़ेगी, सेहत भी अच्छी होगी, साथ में आपके दूध के, पशु के दूध के अंदर जो है, उसके अंदर भी इंक्रीमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा लें, ताकि आप तक हर नोटिफिकेशन टाइम से पहुँचता रहे। नमस्कार।